स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आए दिन नए नए अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते रहते हैं। जहां सीरियल में इन दिनों सभी की शादी का ट्रैक चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल में ईशान रीवा से नाराज होने वाला है। जी हाँ, बता दे, जहां सभी के घर वाले सभी की शादी करवाने के पीछे लगे हुए हैं और सभी का रिश्ता तय कर दिया है और अब बहुत जल्द सभी की शादी होने वाली है, तो वहीं सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी परेशान हो रही है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसे पढ़ने नहीं देंगे और ना ही कभी उसे उसके सपनों को पूरा करने देंगे। पर सभी ने भी ठान लिया है कि वो उनके प्लान को कभी सफल नहीं होने देगी, बल्कि वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी। तो वहीं अब दूसरी तरफ रीवा और ईशान को एक दूसरे से प्यार हो गया है, जहाँ दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। हालांकि दोनों की शादी का कार्ड भी छप गया होता है, पर रीवा का अचानक लंदन के बड़े किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आता है और रीवा के मम्मी पापा रीवा को कॉल करके कहते हैं कि बेटा, अब तुम जल्दी लंदन की फ्लाइट लो और लंदन आ जाओ, क्योंकि 3 दिन में तुम्हारे एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना है। जिसके बाद रीवा थोड़ी सी परेशान होती है, तो वही ईशान चाहता है कि रीवा उसे छोड़कर ना जाए और उससे शादी कर ले और हमेशा उसके साथ रहे। पर रीवा अपने मम्मी पापा के ड्रीम और अपने ड्रीम की वजह से ईशान को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चली जाएगी और फिर ईशान रीवा से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा और वही ईशान को लगेगा कि अब रीवा कभी वापस नहीं आएगी, जैसे उसकी माँ ईसा उसे छोड़कर गई थी। इसी वजह से अब देखना ये होगा कि क्या रीवा ईशान को छोड़कर चली जाएगी या फिर रुकेगी। वेल दोस्तों, आपको ईशान जोड़ी सभी के साथ अच्छी लगती है या फिर रीवा के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।